नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आइए ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं SBI बैंक के सिंपली सेव रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों बता दूं कि अगर आप लोगों के पास भी SBI बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर दोस्तों SBI बैंक वाले अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स का जो UPI ट्रांजेक्शन है रुपए क्रेडिट कार्ड की, उसको यहाँ पर दोस्तों बाई डिफॉल्ट पीछे से जो है वो बंद कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके पास SBI बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है और उनकी दोस्तों यहाँ पर UPI पेमेंट उनके SBI कार्ड से बंद जो है वो कर दी गई। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, मंथली सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये की अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट्स करते हैं, उसके बावजूद भी दोस्तों उनके क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पर UPI पेमेंट्स को जो है वो बंद कर दिया गया। अब पूरे महीने में सिर्फ 3 से 4 हज़ार रुपये की UPI पेमेंट करते हैं, उसके बाद भी UPI पेमेंट्स को क्यों बंद किया गया? उन्होंने कहाँ पर दोस्तों क्या गलती करी? आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी है। हालांकि दोस्तों वहाँ पर मैंने उनको जो सजेशन दिया, उस सजेशन को दोस्तों जब उन्होंने अपनाया तो उसके बाद दोस्तों उनकी रुपए क्रेडिट कार्ड से जो UPI पेमेंट थी उसको दोबारा से जो है काम करने लग गई। तो यहाँ पर कौन सी गलती आपने नहीं करनी है जिस वजह से आपके रुपए क्रेडिट कार्ड पर, चाहे वो SBI बैंक का हो चाहे वो किसी अदर बैंक का हो, UPI पेमेंट्स ना बंद हो जाए? और UPI पेमेंट्स अगर बंद हो भी चुकी है तो कैसे दोस्तों आप लोग फिर से उसको स्टार्ट जो है वो करवा सकते हैं, उसके बारे में पूरा यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में जो है वो समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों से पहले बता दूं, अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सब्सक्राइबर हैं, उनके SBI बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट्स नहीं हो पा रही थी, जबकि वो हर मंथ दोस्तों 2 से 3 हज़ार रुपये ही अपने SBI बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करते थे। उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 72 हज़ार रुपये है और 7 महीने के अंदर दोस्तों उन्होंने 10 से 12 हज़ार रुपये की लिमिट को ही यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल करा है। फिर भी दोस्तों उनके रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट को जो है बंद कर दिया गया। यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट जो है दोस्तों दिख रहा होगा, जब दोस्तों वो UPI पेमेंट्स करने का ट्राई कर रहे हैं तो इनको यहाँ पर ये प्रॉब्लम लिखी आ रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। 505 रुपये की वो पेमेंट करना चाह रहे हैं, वो 505 रुपये की UPI पेमेंट भी नहीं हो पा रही है, जबकि वो बहुत कम ही दोस्तों अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं UPI पेमेंट्स के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन सी ऐप से अपने रुपए क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने कहा फोन पे से। तो मैंने उनसे बोला कि आप क्या एक ही मर्चेंट पे हर महीने UPI पेमेंट कर रहे हैं 7 महीने से? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं एक ही मर्चेंट पे UPI पेमेंट कर रहा हूँ पिछले 7 महीनों से। भले ही दोस्तों वो 2 हज़ार 3 हज़ार रुपये की UPI पेमेंट करते हैं, लेकिन 7 के 7 महीने यानी 7 7 मंथ्स उन्होंने सिर्फ एक ही मर्चेंट पे UPI पेमेंट्स करी। अब यहाँ पर दोस्तों बैंक समझ गया कि यहाँ पर ये जो कस्टमर है ये सिर्फ छोटी चाहे छोटी पेमेंट कर रहा है, लेकिन मंथली एक ही मर्चेंट को ये UPI पेमेंट करता है, उसके अलावा इसने किसी भी मर्चेंट को UPI पेमेंट नहीं करी है। क्योंकि दोस्तों जब भी आपकी स्टेटमेंट जाती है, जिस भी दोस्तों आप लोग मर्चेंट को, मर्चेंट के QR कोड पे UPI पेमेंट करते हैं, तो हर एक मर्चेंट के QR कोड का दोस्तों एक नंबर होता है, कोड होता है। तो यहाँ पर बैंक्स को पता चल जाता है कि आपने किस कोड पे कितनी बार UPI पेमेंट्स करी है। तो ये 7 महीने में एक ही UPI स्कैनर पे दोस्तों UPI पेमेंट कर रहे थे, तो बैंक्स को यहाँ पर पता लग गया और उन्होंने इनकी UPI पेमेंट को यहाँ पर बंद कर दिया। तो मैंने इनको बोला कि आप बार बार एक ही मर्चेंट पे UPI पेमेंट कर रहे हो, इसलिए आपके SBI बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट जो है वो नहीं हो रही है। तो इन्होंने दोस्तों मेरे से मांगा बाद में सॉल्यूशन कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन दोस्तों मैंने इनको ये दिया कि आप जो है अपने SBI बैंक वालों को एक ईमेल जो है वो यहाँ पर सेंड कर दीजिए और उसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिए कि मेरे SBI बैंक से यहाँ पर UPI पेमेंट नहीं हो रही है, एक नीचे स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिए। तो इन्होंने दोस्तों जब वो मैंने इनको सॉल्यूशन बताया तो इन्होंने दोस्तों सॉल्यूशन को अपनाया, तो उसके बाद दोस्तों इनके SBI बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट्स चालू तो हो गई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसमें बैंक वालों ने एक दोस्तों यहाँ पर एक नया रास्ता क्या निकाला कि जिस भी मर्चेंट पे दोस्तों हर महीने UPI पेमेंट करते थे, उस मर्चेंट के QR कोड पर दोस्तों UPI पेमेंट नहीं जा रही थी, बाकी सभी दूसरे मर्चेंट्स पे उनके QR कोड पर इनके रुपए क्रेडिट कार्ड से UPI पेमेंट जाना स्टार्ट हो गई। जब इन्होंने बैंक को ईमेल कर दिया, उसके 2 3 दिन बाद 4 दिन बाद इनके रुपए क्रेडिट कार्ड पे फैसिलिटी फिर से चालू कर दी गई, लेकिन जिस मर्चेंट को ये पिछले 7 महीने से हर महीने 3 3 हज़ार 2 2 5 3 3 4 4 हज़ार रुपये की UPI ट्रांजेक्शन कर रहे थे, उस मर्चेंट QR कोड पे दोस्तों यहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया गया,
यानी कि बाकी सब अदर जो मर्चेंट क्यूआर कोड स्कैनर है उस पर तो यहाँ पर ये यूपीआई पेमेंट्स कर पाएंगे, लेकिन जिस पे ये दोस्तों रेगुलरली पिछले 7 महीने से यूपीआई पेमेंट्स कर रहे थे उस मर्चेंट के क्यूआर कोड पे पेमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आपके पास कोई भी रुपए क्रेडिट कार्ड चाहे वो किसी भी बैंक का हो तो आपने सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि आप बहुत बड़ी पेमेंट ना करें। जैसे रुपए क्रेडिट कार्ड आया तो लोग क्या कर रहे थे, मर्चेंट्स को बहुत बड़े बड़े अमाउंट जो है यूपीआई के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे थे तो उसलिए उनके कार्ड्स पर यूपीआई पेमेंट्स बंद की जा रही थी। लेकिन अब दोस्तों बैंक समझदार हो गया है, चाहे आप बड़ी पेमेंट करो चाहे आप छोटी पेमेंट करो, अगर आप लोग एक ही मर्चेंट को बार बार यूपीआई पेमेंट्स करोगे तो ऐसे में दोस्तों आपके क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई पेमेंट्स बंद जो है वो हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 72,000 रुपये लिमिट थी, पिछले 7 महीने के अंदर इन्होंने 10,000 से 12,000 रुपये की यूपीआई ट्रांजेक्शन करी, हर महीने 3,000-3,000 रुपये ही कर रहे थे, लेकिन सिर्फ गलती ये थी कि एक ही मर्चेंट क्यूआर कोड पे कर रहे थे। तो अगर आप लोग भी एक ही मर्चेंट क्यूआर कोड पे बार बार यूपीआई ट्रांजेक्शंस करते हैं तो यहाँ पर आपके भी रुपए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट्स बंद जो है वो हो सकती है। अब कुछ जानकार लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि हम तो खुलेआम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मैंने तो अभी 10 ट्रांजेक्शन करी है, कुछ बोलेंगे मैं तो अभी 5 ट्रांजेक्शन करके आया हूँ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भैया अभी आपको दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन इन फ्यूचर आप लोगों को दिक्कत जो है वो हो सकती है, आपके क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई पेमेंट्स को बंद जो है वो किया जा सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपके भी क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई पेमेंट बंद हो जाती है तो आपके पास जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपने उस बैंक को एक ईमेल भेजना है कि हमारे क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई पेमेंट्स नहीं हो पा रही है, नीचे आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, एक स्क्रीनशॉट जिसमें पेमेंट फेल हुई है वो अटैच कर दीजिए, बैंक को ईमेल कर दीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो यूपीआई पेमेंट्स है वो फिर से चालू जो है वो हो सकती है, हो जाएगी। बाकी दोस्तों एक छोटी जानकारी और दे दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे अलग अलग बैंक्स के इंस्टेंट अप्रूवल क्रेडिट कार्ड्स के लिंक जो है वो मिल जाते हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए क्रेडिट कार्ड इंस्टेंटली तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, मनपसंद बैंक के क्रेडिट कार्ड का लिंक सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, मिल सकता है आप लोगों को भी इंस्टेंट अप्रूवल। बाकी दोस्तों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।